हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेस्ट सीडी से फ्लावर वेज बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने क्या क्या मटेरियल चाहिए, चलो बताता हूँ इस वीडियो में। इसके लिए जैसे हमारी वेस्ट सीडी हो गई, पीवीसी पाइप हो गया, ग्लू गन हो गई, और इसके निशान लगाने के लिए हमने जैसे स्केल यूज कर सकते हैं हम। और इस पे जैसे निशान लगाने के बाद हम सबसे पहले सीडी पे निशान लगाएंगे पेंसिल के साथ, और फिर उसको ऐसे काटेंगे। तो सबसे पहले हम सभी सीडी पे ये मार्क कर लेते हैं सेंटर से, ताकि हम उसको इकट्ठा बाद में काट लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सब पे मार्क करना, हम ऐसे सभी सीडी के ऊपर हमने पहले सेंटर में हमने मार्क करना। जैसे इसको हम काटें तो आधी आधी ये सीडी डिवाइड हो जाए। तो सारी पे हमने मार्क कर लिया है, और जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम सीजर की सहायता से इसको हम काट लेंगे। जब भी आप सीजर की सहायता से इसको काटें तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमने इसको काटना है, कहीं जो हमारी सीजर है वो कहीं हाथ पे ना लग जाए। तो ऐसे हमने सारी सीडी को, और इसको पेयर बना के रख लेना है हमने अलग अलग, ताकि हमें पता लगे कौन सी सीडी का कौन सा पार्ट है और चिपकाने में आसानी रहे। ऐसे हम सारी सीडी के जैसे पार्ट कर लेंगे हाफ हाफ, और उसके बाद हम इसको ग्लू गन से हम इसको चिपकाएंगे। गन से हमने इस पे चिपकाया इसको, और ऐसे ही सारी सीडी को हम चिपका देंगे। ऐसे सारी सीडी को चिपकाने के बाद हम जो पीवीसी पाइप है हमारा, जो हम घरों में जैसे फिटिंग के लिए बिजली की वायर वगैरह हम उसके अंदर से डालते हैं, वो वाला पाइप लेंगे और उसके ऊपर इन सीडी को हम पेस्ट करेंगे। ये ग्लू गन का जो ये वेस्ट लगा हुआ था वो हमने इस पे साफ किया पहले, और उसके बाद अब हम पीवीसी पाइप लिया। इस पीवीसी पाइप पे नीचे वाले हिस्से में हम इसको चिपकाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सीडी पे हमने ग्लू गन से ये ग्लू लगाया, ग्लू स्टिक, और उसके बाद इसको चिपकाया। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकड़े रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, सेट हो जाए। ऐसे ही सेम है जैसे यहाँ पर लगाया है, वैसे ही अपोजिट साइड इसको हमने लगाना है ताकि सिमेट्री बनी रहे। ऐसे इस पे हमने पेस्ट किया, और साथ में हमने पेस्ट करने के बाद साइड साइड में हमने ग्लू थोड़ा सा और लगाना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम इसको पकड़े रखेंगे ताकि ये जैसे हॉट है ना, अपने आप थोड़ा सा ये कोल्ड हो जाए, और जिससे ये सेट हो जाएगी। ऐसे हम दूसरी साइड इसको लगाएंगे, जैसे ग्लू से ये हमने ग्लू लगाया, और उसके बाद यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया, और उसके बाद इसको आराम से पकड़ के और दोनों साइड इस पे हम अब ग्लू लगाएंगे ऐसे, और इसके अपोजिट साइड हमने ये वाली सीडी पेस्ट करनी है। ऐसे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे।
फिर अब जैसे हमने ये 4 CD हमने इस पे पेस्ट कर दी, ऐसे ही हम जो इनके बीच में जो स्पेस बच गया एक एक CD हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ऐसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको थोड़ी देर हम सेट करने के लिए दोनों साइड हम ग्लू लगा देंगे ऐसे। ऐसे ही हमने उसके बिल्कुल अपोजिट साइड हमने लगानी है और सिमेट्री का ध्यान रखना है। जैसे हॉट ग्लू होती है इसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़े रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए ऐसे। जैसे वो हमारी CD अब जो हमने पेस्ट कर दिया है ऐसे इस बेस पे हम इसको चिपकाएंगे ऐसे, और नीचे वाले पार्ट में हम थोड़ा सा ग्लू और लगाएंगे ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा हम हाथ से दबाए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ऐसे लगभग ये हमारा सेट हो गया है, ऐसे देख सकते हो आप ये हमारा कैसा बना है। इसके बाद हम इसके जैसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है इस पे हम रिबन लगाएंगे यहाँ पर, इससे के ऊपर पहले हम ग्लू लगाएंगे फिर उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे ऐसे। जब हम ग्लू लगाते हैं और ध्यान से हमने पेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये हॉट होता है, कहीं अपना हाथ ना जल जाए, इसलिए हमको ध्यान से इसको चिपकाना चाहिए। अब सीजर की सहायता से हमने इसको काटा और बाद में इसको पेस्ट कर दिया। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो इसकी वायर सी बनी हुई थी ग्लू की, वो हम इसको साफ कर देंगे। उसके बाद इसमें हम फ्लावर डाल के देखेंगे कि कैसा बना। उससे पहले हम इस पे थोड़े से और लीफ हैं जो आर्टिफिशियल, वो हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे साइड में ऐसे। ये हमारे आर्टिफिशियल लीफ हैं जो आपको मार्केट से मिल सकते हैं अगर आप पेस्ट करना चाहते हो, अदरवाइज आप विदाउट इसके भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। और ऐसे ही जहाँ पर ये पार्ट बच गया है यहाँ पर भी हम लीफ को चिपकाएंगे ऐसे। थोड़ा थोड़ा हम ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ये जो ग्लू है हमारी हो इसमें अच्छी तरह से चली जाए और हमारा जो ये लीफ है आर्टिफिशियल ये चिपक जाए अच्छी तरह से ऐसे। अब इसके अंदर ये हमारा फ्लावर है ये इसके अंदर डालेंगे हम ऐसे, हम सेट कर देंगे इसको। और अब आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लावर वेज बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी,
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।